ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज के मधुर मुरली 11/5/2023। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, फॉलो फादर मदर, सिर्फ एक जन पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो, शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य में राज करेंगे। धंधा धोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से रजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत, तुम ही हो माता पिता, ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माएं नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। यह है अपना और बाप का परिचय देना, वह महिमा भक्त लोग करते हैं, तो मैं माता चा पिता, तुम तो बच्चे हो। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है, यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। आज की मुरली के मुख्य 10 पॉइंट। पहला पॉइंट, बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। दूसरी पॉइंट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते, कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं, यहाँ तो श्रीमत मिलती है। चौथी पॉइंट, माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। पांचवी पॉइंट, बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी, अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। छठवीं पॉइंट, इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक दिखाते हैं। सातवीं पॉइंट, जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने, ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। आठवीं पॉइंट, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। नवी पॉइंट, आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है, आत्मा से ही बात करते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। दसवीं पॉइंट, सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अब नर्क से दिल को हटा दो, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य 4। पहली पॉइंट, दे तथा दे के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है, बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूंगा,
हियर नो इविल सी नो इविल वरदान है आज का। एक समा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है, जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है आज का, बाबा के मिलन की अवसर प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। ओम शांति।